हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है एक भूतिया तकिए की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं भूतिया तकिए की कहानी। तारा की माँ निर्मला को मुफ्त की चीजें लेने की आदत थी। वो बाजार में जब भी सामान खरीदने जाती थी तो हमेशा एक पर एक फ्री मिलने वाली चीजें ही खरीदा करती थी। एक दिन निर्मला मंदिर से एक नई सैंडल चुरा कर घर ले आती है। माँ, तुम्हारी पुरानी सैंडल कहाँ गई? तुमने बाजार से नई सैंडल खरीदी है क्या? नहीं बेटी, ये नई सैंडल तो मैंने मंदिर से उठा कर लाई हूँ। जरा देख इसकी डिजाइन कितनी सुंदर है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या माँ? इस तरह मंदिर से सैंडल चुराना बुरी बात है। अगर किसी ने तुम्हें देख लिया होता तो जरा सोचो तुम्हारी कितनी बेइज्जती होती। तू चुप कर, तुझे दुनियादारी के बारे में कुछ नहीं पता। अगर कहीं हमारा फायदा होते दिखाई दे तो हमें उस मौके का फायदा उठाना चाहिए। इस तरह निर्मला हमेशा अपनी मन की करती थी। फिर एक दिन निर्मला रास्ते से गुजर रही थी कि तभी रास्ते में उसे एक तकिया दिखाई देता है जो पूरी तरह सोने से बना होता है। उसे देख निर्मला को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। निर्मला फौरन उस तकिये को उठाकर देखने लगती है। हे भगवान, ये तकिया तो बिल्कुल खरे सोने से बना है। जरा इसकी चमक तो देखो। निर्मला अपने आसपास देखती है, दूर दूर तक उसे कोई नजर नहीं आता। निर्मला उस तकिए को लेकर अपने घर चली जाती है। शाम को तारा जब कॉलेज से लौटकर घर आती है तो निर्मला उसे सोने के तकिया दिखाते हुए कहती है, निर्मला ये देख बेटी, आज सड़क पर मुझे ये सोने का तकिया मिला है। तारा हैरान रह जाती है और कहती है, माँ मुझे तो लगता है ये सोने का तकिया किसी पैसे वाले इंसान का है। हमें इसे तुरंत पास के पुलिस स्टेशन में जमा कर देना चाहिए। वैसे भी दूसरों की चीजों से हमें कोई वास्ता नहीं रखना चाहिए। मैं जानती थी तू यही कहने वाली है, लेकिन मैं तेरी एक नहीं सुनूंगी। मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ जो इतनी कीमती सोने के तकिए को लौटा दूं। देख ये तकिया तेरे कमरे में ही रहेगा, समझ गई ना? आज से मेरी बेटी सोने के तकिए में सर रखकर सोएगी। इतना कहकर निर्मला वो सोने का तकिया तारा के कमरे में ले जाकर रख देती है। तारा अच्छी तरह जानती थी कि अपनी माँ को समझाकर कोई फायदा नहीं है और वो मजबूर होकर उस तकिए को अपने सिरहाने में रखकर रोज सोना शुरू कर देती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक रात निर्मला जब अपने कमरे में सो रही थी कि तभी अचानक तारा एक बड़ा सा चाकू लेकर उसके कमरे में पहुंच जाती है। तारा के हाथ में चाकू देखकर निर्मला घबरा जाती है। ये सब क्या है बेटी? इतना बड़ा चाकू हाथ में लेकर तू यहाँ क्या कर रही है? कौन बेटी? किसकी बेटी? मैं किसी की बेटी नहीं हूँ, मैं एक चुड़ैल हूँ और तुझे मारने आई हूँ। अब मैं तुझे मारकर तेरा ताजा गरम गरम खून पीऊंगी। अरे नहीं, मेरी बेटी को क्या हो गया? ये तो एक चुड़ैल बन गई है। तारा निर्मला के ऊपर चाकू से वार करती है, लेकिन निर्मला बचकर वहां से भाग निकलती है और चिल्लाते हुए अपने पड़ोसियों के घर में पहुंच जाती है। कमला प्लीज मुझे बचा ले, मेरी बेटी मुझे जान से मारना चाहती है। तभी तारा वहां भी पहुंच जाती है। ये तो बहुत डरावनी बन गई है, लगता है तुम्हारी बेटी पर किसी चुड़ैल का साया है। कमला और उसके घर वाले मिलकर तारा को रस्सियों से बांध देते हैं। मेरी पहचान में तांत्रिक है, मैं अभी उसे फोन करके बुला लेती हूँ।
कमला के फोन करते ही तांत्रिक थोड़ी देर में वहां पहुंच जाता है। उसके बाद तांत्रिक तारा के ऊपर अपने मंत्रों का प्रयोग शुरू कर देता है। तांत्रिक जी, मेरी बेटी को क्या हुआ है? ये तो ठीक हो जाएगी ना? मुझे सब पता चल गया है, ये काम एक जादूगरनी का है। तुम्हारी बेटी के ऊपर उसने काला जादू किया है। लगता है तुम बाहर से कोई चीज उठाकर अपने घर में लेकर आई हो। निर्मला तांत्रिक को उस सोने के तकिए के बारे में बता देती है। ये सब उस सोने के तकिए की वजह से हो रहा है। असल में वो भूतिया तकिया है, उस पर उस जादूगरनी ने काला जादू किया है और उसे सोने का बनाकर सड़क पर फेंक दिया था, ताकि तुम जैसे कोई लालची इंसान उसे उठाकर अपने घर ले जाए। ये सब मेरे लालच की वजह से हुआ है। मैं आज के बाद जिंदगी में कभी लालच नहीं करूंगी। बस आप एक बार मेरी बेटी को जादूगरनी के काले जादू से मुक्त कर दीजिए। तांत्रिक उसी वक्त सबको लेकर जादूगरनी के घर पर पहुंच जाता है। देख जादूगरनी, इस मासूम लड़की को तू अपने काले जादू से आजाद कर दे, इसने तेरा क्या बिगाड़ा है? लेकिन जादूगरनी तांत्रिक की एक नहीं सुनती और उल्टा उसे भी कैद करने की धमकी देने लगती है। ये देख तांत्रिक को गुस्सा आ जाता है और वो अपने मंत्र से जादूगरनी को एक कांच की शीशी में कैद कर देता है। तेरे जैसी बुरी जादूगरनी के लिए यही सजा ठीक है। अब तू हमेशा के लिए इस कांच की शीशी में कैद रहेगी। जादूगरनी के कैद होते ही तारा पूरी तरह ठीक हो जाती है और अपनी माँ के साथ घर लौट जाती है। उस दिन के बाद से निर्मला लालच करना बंद कर देती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और दोनों माँ बेटी फिर से हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो आपने देखा दोस्तों, भूतिया तकिए की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें निर्मला की तरह कभी भी मुफ्त में मिली चीजों में लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।